एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो एसबीआई क्लर्क मेंस का थर्ड मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया है, इसका स्कोर मैं शेयर कर रही हूँ। ये स्मार्ट कीड़ा का थर्ड नंबर टेस्ट है और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, कौन सा आप टेस्ट सीरीज यूज करते हो। तो मेरा स्मार्ट कीड़ा है सबसे ज्यादा, मैं इसी के टेस्ट अटेम्प्ट करती हूँ और मुझे ये थोड़ा ठीक लगता है। अभी इसके कुछ टेस्ट बाकी है, अभी इसके 5 टेस्ट बाकी है, तो ये मैं अटेम्प्ट कर लूंगी। एग्जाम से पहले मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही 5 टेस्ट मैं करने वाली हूँ आगे। आप लोग ये वाला टेस्ट सीरीज ले सकते हो, मतलब काफी मुझे ठीक लगता है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। और काफी अच्छा रहता है टेस्ट, और कई लोगों ने लिया भी है और ग्रुप में कई लोगों ने इसको बाय किया है, क्योंकि फिर उसके बाद वो कंपेयर करते हैं मार्क्स की, हाँ मेरा स्कोर कितना रहा है, और देखते हैं चलिए अपना स्कोर कितना रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे स्कोर मेरा 83.50 रहा है आउट ऑफ 200, और आज की मॉक टेस्ट में एक्यूरेसी मेरी बहुत खराब रही है, और यहाँ पे 80.18% एक्यूरेसी रही है, परसेंटाइल 98.47% रही है। आप सबको पता है कि इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट है जिसका एक्यूरेसी कभी कितनी होगी कुछ आइडिया नहीं होता है, तो आज की इंग्लिश में मेरा बहुत क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग किए हैं। जीए में मैंने 6 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। मैं आपको बता दूं, जीए के लिए मैं अफेयर्स क्लाउड का वीकली पीडीएफ डिटेल वाला पढ़ती हूँ, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मंथली पीडीएफ होती है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप 4 महीने का पढ़ के जाओगे ना, तो आप 20+ तो वहीं से आएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो बैंकिंग से रिलेटेड रहते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अभी मेरे को दिसंबर का पढ़ना है, बाकी सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है बैंकिंग वाला, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आज इस मॉक टेस्ट में अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो अगर करिएगा, अगर किया है तब भी आप इसको दोबारा से एनालाइज करिएगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो बैंकिंग अवेयरनेस से हैं, तो इसमें इसलिए काफी अच्छा स्कोर हो गया। स्टैटिक पोर्शन से भी कुछ क्वेश्चंस थे, बट ज्यादातर क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से ही थे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हुए हैं, देन इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ 14 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। एकदम अनएक्सपेक्टेड है कि हाँ इतने क्वेश्चंस मैं गलत कर सकती हूँ, बट हो गए हैं तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी क्वांट में यहाँ पे एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, रीजनिंग में 22 अटेम्प्ट हुए हैं, यहाँ पे 21.75 है, ये क्वेश्चन दोनों में रॉन्ग हुए हैं रीजनिंग और क्वांट में, बट इंग्लिश में काफी रॉन्ग हुए हैं। रीजन यहाँ पे क्या है, इंग्लिश में काफी सारे क्वेश्चंस थे जो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड थे और मैंने वो अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कि वही क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग किए हैं। सो यहाँ पे स्कोर, तो यहाँ पे मेरा इतना स्कोर रहा, हालांकि परसेंटाइल तो यहाँ पे ठीक है, 98.47% है, बट इंग्लिश में इतने क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मैंने मिस्टेक की, आइडियम्स एंड फ्रेजेस रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, तो अगर नहीं आते तो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, तो मैंने वहां पे थोड़ा सा रिस्क लिया और वही हुआ कि गलत हो गया क्वेश्चंस। तो अटेम्प्ट अगर आपने किया है तो बताइएगा आपका स्कोर कितना रहा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।